वाली दुनिया की इच्छा जो हम करेंगे वो देह से कनेक्टेड इच्छा है या आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है? आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है, ये तो अच्छी बात हुई। जो गुरु लोग सिखाते हैं वो गुरुओं की पढ़ाई जो है, मनुष्यों की पढ़ाई जो है, वकील बनावेंगे, ये बनावेंगे, वो बनावेंगे, वो इस जन्म की पढ़ाई से कनेक्टेड है, देह की पढ़ाई से कनेक्टेड है, एक जन्म से कनेक्टेड है, अंतकाल की पढ़ाई है, वो अविनाशी पढ़ाई नहीं है, उसका लक्ष्य भी अविनाशी नहीं है। कमल का फूल और गुलाब का फूल, इसमें गुलाब का फूल 2-3 दिन के अंदर मुरझा जाता है। हाँ जी। लेकिन कमल का फूल बहुत समय तक रहता है। हाँ। तो कमल का फूल का क्या पुरुषार्थ है? कमल का फूल का रुद्रमाला का पुरुषार्थ है, लंबे समय तक पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ जो है, जो बाप की पढ़ाई का सच्चा पुरुषार्थ है वो कमल का फूल करता है या गुलाब का फूल करता है? है? कमल का फूल करता है। कमल का फूल 1 महीने तक ज्यों का त्यों रखा रहेगा, गुलाब का फूल पुरुषार्थ ही लंबे समय का नहीं करता। बाप तो कहते हैं लंबे समय की जो प्रारब्ध है वो अच्छी काम में आती है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। हद में बाबा 1881 में भाजपा ने सरकार स्थापन किया है, कमल फूल लेके सिंबल है, कमल का जो सिंबल है ना भाजपा का, बीजेपी का जो सिंबल है कमल का है ना, हाँ जी। 81 में स्थापना हो गई उसके भाजपा की, लेकर अभी तक पुरुषार्थ कर, लेकिन उसको गवर्नमेंट तक क्यों नहीं आ रहा? रुद्रवाला को पुरुषार्थ का फल मिल गया क्या? ये जानता पार्टी है, अज्ञानता पार्टी है, है? ये भी जानता पार्टी है, जानता पार्टी तो है लेकिन पुरुषार्थ अभी पूरा परिपक्व स्टेज का नहीं हुआ है, उसकी भी शुरुआत करने वाला जयप्रकाश नारायण था। क्या? जयप्रकाश नारायण। और इसकी भी शुरुआत करने वाला बेहद का जयप्रकाश नारायण था, उस जनता पार्टी की शुरुआत करने वाला भी गुजरात से निकला था। कहां से निकला था? गुजरात से। इसे बेहद का पुरुषार्थ करने वाली जनता पार्टी का जो हेड है वो कहां से निकलता है? गुजरात से निकलता है। उस समय उसका भी सहयोगी कृष्ण मुरारी देसाई था कि नहीं? हाँ, इसका भी सहयोगी कौन है विशेष? है कृष्ण मुरारी देसाई, वो भी अपना मूत पीता था। कौन? कृष्ण मुरारी देसाई, वो अभी भी है। और ज्ञान किसकी बुद्धि में बैठा है? कृष्ण बच्चे की बुद्धि में बैठा है कि राम की बुद्धि में बैठा है? राम की बुद्धि में ज्ञान बैठता है। कृष्ण तो बच्चा है, मिट्टी खाता है। और बाबा जैसे कहते हैं कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो माउंट आबू के पहाड़ के नीचे कौन सा ऊंट आएगा? ऊंट कौन से देश का पक्षी है? कहते हैं ऊंट पक्षी चलता है तेज, तो ऐसे लगता है कि जैसे पक्षी उड़ रहा है। ऊंट पक्षी कौन से धर्मखंड में ज्यादा होता है? अफगानिस्तान। है? इस्लाम धर्मखंड में। पहले पहाड़ के ऊपर रहना पसंद करते थे, अब कहां उतर पड़े? है? आबू रोड में। वो पहाड़ के नीचे आ गया कि ऊपर है? है? नीचे आ गया, और नीचे आ जाएगा। अब इस्लाम धर्म के बीच को कहेंगे? है? इस्लाम धर्म का जो बीज है हाँ, उसको कह सकते हैं क्या? हाँ, वो भी पहाड़ के नीचे है।
चैतन्य पहाड़ के नीचे। हाँ चैतन्य पहाड़ के नीचे है, बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? और 2036 में जो आखिरी विनाश होगा तब माउंट आबू पर्वत भी नहीं रहेगा ऐसा बोला है। आखिरी विनाश में माउंट आबू का पर्वत भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो शांति धाम तो वही बनेगा ना बाबा? शांति धाम उससे पहले बनेगा कि बाद में बनेगा? उससे पहले बनेगा। पहले बनेगा। और ये भी बोला है कि पहले आत्माओं की कंचन काया बनने का समय 150 साल तक है। हाँ। तो वो आत्मा वही रहेगी क्या? अरे संगम युग पुरुषार्थ करने का टाइम कब तक है? 36 तक ही टाइम है, उसके बाद पुरुषार्थ थोड़े ही है। बर्फ का टाइम जो है वो बाद का है कि पहले का है? एटम बम फटने से पहले दुनिया में ठंड ही ठंड, शांति ही शांति हो जाएगी या बाद में होगी? है एटम बमों की जब गर्मी चारों तरफ फैलेगी सागर में तो सारा पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ जाएगा, और जोर से लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होने के कारण सारी पृथ्वी पर मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। वो टाइम होगा सन 36 का। और उस समय पहाड़ नहीं रहेगा क्या बाबा? माउंट आबू पहाड़? अरे एक एक तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनका एक एक कण जहां से साइकिल उसने शुरू किया है वही पहुंचना है। तो कुछ रह जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी के अंदर भी गहरे हिस्से में जब ज्वालामुखी फूटता है तो गहरे हिस्से का जो आग से ये जैसे लोहा पिघल जाता है तो क्या हो जाता है? गरम गरम लावा बन जाता है। ऐसे पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, सारा अंदर का लावा निकल करके बाहर आएगा, कहीं रहने योग्य जगह रह जाएगी क्या? सिर्फ भारत में ऐसा स्थान रहेगा जो बर्फ ही बर्फ से आच्छादित होगा। जहां पुरुषार्थ ही आत्माएं बर्फ में दबेंगी, उत्तर भारत ही रहेगा, नॉर्थ इंडिया ही होगा। दुनिया में कोई और हिस्सा ऐसा है जहां के लोग बाप की भाषा को ज्यादा समझते हो? है? भले अभी दक्षिण भारत से ज्ञान में ज्यादा निकल रहे हैं लेकिन ज्ञान को बाप की भाषा को उतना समझ रहे हैं क्या? गहराई से नहीं समझ रहे। कृष्ण धर्म में माउंट मैरी जो है उसका गायन क्यों है? कृष्ण को गायन नहीं होता है, माउंट मैरी क्यों होता है? मेरी मेरी जोर से ये आगे वालों उनको समझा नहीं, आपने क्या बोला? कृष्ण धर्म में माउंट मैरी का गायन होता है। क्रिश्चियन धर्म में माउंट मैरी का गायन? माउंट मैरी का गायन माउंट मैरी मेरी मेरी माउंट मैरी माउंट मैरी हाँ होता? मेरी माने क्या होता है? है? जो तेरी नहीं होगी। अरे सारी दुनिया की कौन है? नहीं, एक होता है मेरा और एक होता है मेरी। सारी दुनिया का मेरा है बाप और मेरी कौन है? है? अरे
सारी दुनिया की माया है मेरी, वो तो मौसी है, माँ है। तो यहाँ मेरी कौन हुई वास्तव में? जगदम्बा हुई मेरी। जब सारी दुनिया पर शासन होगा, जो सिख लोगों में गायन है, क्या गायन है? राज करेगा खालसा। तो खालसा कहाँ रह करके राज करेगा? दिल्ली में जमुना के कंठे पर राज करेगा या और कहीं से राज करेगा? नहीं, रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है तो कहाँ राज करेगा? अंत समय तक उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है, अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंत समय तक जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो कहां रह करके पुरुषार्थ करेगा? है, माउंट आबू, वो माउंट मेरी हो गई। अरे बेसिक नॉलेज में डूबी जा किया तो जिनको डूबी जा किया वो कहां राज करती थी? माउंट आबू में। बेसिक में जब माउंट आबू में राज करती है तो एडवांस में राज कहां से करेंगी? सारी दुनिया का माउंट आबू से, वो ही माउंट मेरी है। हाँ, जो इस बात को पहचानते होंगे वो पहले माउंट मेरी में कदम बढ़ाते होंगे। बाबा ने तो कहा है कि अभी पश्चिम से सूरज की किरणें दोबारा आ रही है। हाँ, क्यों नहीं, सूरज आएगा तो माउंट मेरी लगेगी। जब सूर्यास्त का गायन है माउंट से तो सूर्योदय का गायन नहीं होगा क्या? अभी बन रहा है। सनसेट पॉइंट का गायन है या नहीं माउंट आबू में? सनसेट पॉइंट है या नहीं है? है। तो एडवांस पार्टी जब माउंट आबू पर पहुंचना शुरू करती है, जो गायन है सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी तो सत्य कहां से प्रत्यक्ष होगा? माउंट आबू से प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो वहां भक्ति मार्ग का जैसे सनसेट पॉइंट बना हुआ है, उसी टाइम से सनराइज पॉइंट भी बनना शुरू हो जाता है। बाबा सतयुग की गायें जैसे दूध देती है तो तंदुरुस्ती रहती है, है? बाबा ने कहा कि सतयुग में जो गाय है तो वो जो दूध देती है तो उसमें तंदुरुस्ती रहती है, और अभी की गायें जो दूध देती है उसमें बीमारी फैलती है। तो ऐसे भी सोचे कि दूध दे ही नहीं है, दूध दे ही नहीं, ऐसे सोचने वाली भी गाय होगी। तो गाय किस काम की? वो तो बहेल हो गई। गैया भी दो तरह की होती है, एक दूध देने वाली और एक दूध न देने वाली। नहीं मालूम तुमको? मालूम करो, जो बहेल गैया होती है वो सांड के साथ इधर उधर घूमती रहती है चारों तरफ, किसी के बंधन में नहीं आती। और जो बंधन वाली गायें होती है वो खूंटे पे बंध करके रहती है। जो विदेशी गऊए हैं वो खूंटे पे, एक खूंटे पे बंध के रहना पसंद करती है या उड़ती रहती है? उड़ती रहती है। भारत की गऊए की ये विशेषता है, जहां उन गऊओं के लिए गौ सुरक्षा आंदोलन चला रहे हैं भक्त लोग, गलती सिर्फ ये की है उन्होंने जानवर गऊओं को समझ लिया है। तो वो एक खूंटे पर बंधी रहने वाली जो गऊएं हैं उनको अगर भोजन विकारी दिया जाता है तो बीमार पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? हैं? बीमार पड़ती है। और निर्विकारी भोजन मिले तो बीमार होने का सवाल ही नहीं। ऐसी गऊओं को जब नई दुनिया मिलेगी, जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो सतयुग से बनना शुरू होगा या संगम युग से ही बनना शुरू होगा? संगम युग में ही वो भोजन बनना शुरू हो जाएगा।
जिनको संकल्पों का भोजन शुद्ध भोजन मिलेगा, अशुद्ध भोजन उनको नहीं मिलेगा, फिर बीमारियां भी नहीं रहेंगी। अभी विचार बढ़ रहा है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, या घट रहा है? इसलिए शास्त्रों में दिखाया है अलग अलग तरीके से। हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को कहां ले गया? पाताल लोक में ले गया, गड्ढे में ले गया। तो गड्ढे में अभी लिया जा रहा है यह स्वर्णिम संगम युग की शूटिंग है। कहां की शूटिंग है? है तो लगा है, फाउंडेशन तो लगा है। हाँ, फाउंडेशन नहीं लगा है, अभी जा रही है गड्ढे में। दिखाते हैं काशी नगरी छिटक जाती है क्या? गड्ढे में जाने से काशी नगरी बच गई, बाकी सब गड्ढे में जा रहे हैं। उस राक्षस का नाम रखा है सोने की आंख वाला राक्षस। अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। कैसी आंख है? सोने की आंख। जैसे कहते हैं सोने की जंजीर लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर होती है अलौकिक परिवार के अंदर और लोहे की जंजीर होती है बाहर के लौकिक संबंधी देह के। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, कौन सी मोह की जंजीर में बांधता है? है सोने की मोह की जंजीर में बांधता है, लगाव लग जाते हैं देह के और गड्ढे में गिरते जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते, लगातार पृथ्वी और पृथ्वीवासी गड्ढे में जा रहे हैं। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा के पास जाओ वो भी कहते हैं टाइम आएगा परिपक्व स्टेज आएगी तब होगा, पाप पकेगा तभी यह परिवर्तन होगा। इसलिए बाप को आना पड़ता है क्या काम करने के लिए? है नहीं आता समझ में क्या? अरे बच्चे नहीं पाप को घड़ा भर पाएंगे क्या? बच्चे कम ताकतवर हैं, इसलिए पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, ताकि जल्दी से पाप का घड़ा भर जाए और जो अंदर अंदर त्राहि त्राहि मच रही है क्या करें, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, वो बात खत्म हो जाएगी। हिरण्याक्ष में पावर कहां से आती है? हिरण्याक्ष राक्षस है ना, हिरण्याक्ष में इतनी पावर कहां से आती है? असुरों में पावर कहां से आती है? असुरों में पावर तपस्या से आती है, वो भी आत्मा समझने और आत्मा को याद करने की तपस्या ज्यादा कर लेते हैं। जो देवताएं होते हैं वो सुख के आदि होते हैं, उन्हें सुख चाहिए। जो राक्षस होते हैं वो भिखारी सुख के आदि तो होते हैं लेकिन तपस्या के बड़े मजबूत होते हैं, बैठ जाएंगे कड़क करके हठयोग में तो तपस्या पूरी करके मानेंगे। अब उसके लिए शंकर छलांग मार के भाई को कंट्रोल में करता है, वो कहेंगे छलांग मारना माने ऊंची स्टेज में कंट्रोल करना? ऊंची स्टेज नहीं, छलांग मारना माने हाई जंप लगाना। एक है पुरुषार्थ सोते सोते याद करना, लेटे लेटे याद करना, एक है पुरुषार्थ बैठ करके याद करना।
थोड़ी ज्यादा अलर्टनेस हो गई। एक है खड़े हो जाना, जब क्लास में बैठे बैठे मुरली सुनते या याद में बैठे बैठे नींद आने लगती है तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। उससे भी तीखा पुरुषार्थ है चलते फिरते याद करना, उससे भी तीखा पुरुषार्थ है पुरुषार्थ में दौड़ लगाना, उससे भी तीखा पुरुषार्थ है उड़ना, और उससे भी तीखा पुरुषार्थ है हाई जंप लगाना। जो जितना ही पवित्र जीवन धारण करेगा उतना ही ज्ञान बुद्धि में सतह ही टपकता रहेगा, बाप से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। और वो तीन सूत्रों के बारे में क्लियर समझाएं। अरे अभी तो बताया ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है, पता है थोड़ा क्लियर। और विष्णु का ज्ञान सूत्र पालना का क्या है वो नहीं पता है, और शंकर का विनाश का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है, पता है। अभी ब्राह्मणों का दूसरा जन्म हो गया है या होने वाला है, है? बेसिक नॉलेज में तो हद की तरह उठा लिया, एक लौकिक जन्म और एक ज्ञान में आने का जन्म, यही अर्थ लगाया ना। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में इसका दूसरा अर्थ है, द्विजन्मा ब्राह्मण। एक जन्म है बेसिक नॉलेज में और एक है एडवांस ज्ञान में, एक है अधूरा बेसिक जन्म और एक है संपूर्ण बेसिक जन्म। एक है अधूरा एडवांस ज्ञान, अधूरा कब तक है, जब तक अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप के ऊपर अनिश्चय आता है तब तक कैसा एडवांस ज्ञान है, अधूरा एडवांस ज्ञान। जब पाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए तब कहेंगे संपूर्ण एडवांस ज्ञान। द्विजन्मा ब्राह्मण जो भी मुख्य धर्म है उनके धर्म पिताएं प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ प्रजापिता तो प्रवेश करने वाले हैं, प्रजापिता तो धर्म पिता प्रवेश करने वाले हैं, कैसे जो भी मुख्य धर्म है ना बाबा, हाँ? इसमें प्रवेश करने वाले धर्म पिता बनते हैं, हाँ? यहाँ हाँ? जो प्रजापिता है प्रवेश करने वाले आत्मा, माने प्रजापिता वाली आत्मा वो ब्रह्मा आधार मुहूर्त में बैल के ऊपर कभी छलांग लगा के सवारी नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। सुबह को सवेरे 3-4 बजे उठो, उठकर के स्नान आदि कर यही ख्याल रखना चाहिए कि हम अशरीर है और हम आत्मा अपने बाप को याद करते हैं, बाप को याद करने से विकल्प विनाश होता है। तो 3 बजे स्नान करना जरूरी है, क्या 3 बजे स्नान करना जरूरी है क्या, याद करना। स्नान करने के तो दो कारण बताए, कोई प्रकार की गंदगी होती है शरीर में तो स्थूल स्नान करना है, लैट्रिन जाते हैं तो छिट्टे पड़ेंगे, स्नान करना है। यदा तदा माया पकड़ लेती है, 5वीं बार से नीचे गिराती है, विकारों में गिर जाते हैं तो भी स्नान करना, बाकी ना विकारों में माया ने गिराया
अपना शरीर अपवित्र हुआ टॉयलेट में जाके, तो जरूरी है, है? नहीं करेंगे, हाथ मुंह धो करके बैठ जाएंगे याद करने के लिए तो याद नहीं आएगी, आएगी। मुरली में बताया गया लेटरिन में भी याद कर सकते हो। मुरारजी देसाई को अपनी बात याद आ रही थी, अपने मूत्र का स्वपान करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, ये वो अपना अनुभव बता रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाबा सिख धर्म में सर के बाल लंबे होते हैं, सिख धर्म में उनके सर के बाल जो है ना लंबे लंबे होते हैं, तो फिर उनको जाम्बवंती और जाम्बवंत का भी बोला गया है, वो भी सिख धर्म के अंदर ही आते हैं, वो दोनों भी जाम्बवती और जाम्बवंत, वो दोनों जाम्बवंत और जाम्बवंती, हाँ जी, वो दोनों भी सिख धर्म के अंदर ही आते हैं। हाँ, तो फिर उनके लिए ये भी कहा गया है एक न्यारी या सादा ब्रह्मचारी, हाँ? तो फिर वो लोग तो ज्यादा काम भिखारी भी कहा है जिनके बाल लंबे होते हैं, हाँ? तो फिर सिर्फ शरीर के बाल लंबे नहीं होते हैं, सिर के बाल लंबे नहीं, सिर के बाल लंबे तो लक्ष्मी नारायण के भी होते हैं, वो कोई भिखारी बात नहीं है, मतलब बाबा पुरुषों में की बात है, पुरुषों में भी वही नहीं, उनके सारे शरीर में बाल होते हैं रीछ की तरह। राम ने बंदरों की सेना ली, बंदरों की सेना के बीच में जामवंत भी था, क्या अंतर है बंदरों में जामवंत में, उसके सारे शरीर पर बाल है, इसलिए शास्त्रों में जहां जामवंत और आठ पटरानियों में जामवंती का नाम आया है, वो सिख धर्म से कनेक्टेड है, उनके रोम रोम में विकार भरे हुए हैं, बड़े बड़े बाल भरे हुए हैं, वो विकारी तो बनते हैं, लेकिन एक नियम उन्होंने पक्का बांधा हुआ है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकारी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा निर्विकारी भी वही बनते हैं जब ज्ञान उठाते हैं, और हिंदुओं ने स्वतंत्रता के लिए उतने संग्राम में सहयोग नहीं दिया है, इतना ज्यादा अर्पण नहीं किया है तन मन धन जितना सिखों ने बलिदान किए, यहां भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जब वो पंजाब के बड़े बड़े बालों वाले सिख निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाती, पापा एक टीवी में बोला गया है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजयी हो जाएगी, तो फिर एक विनय की वार्तालाप में कहा है सत्य बामा के बारे में, तो सत्य बामा का पाठ गंगा को दिया गया, हमारे गंगा तो सन्यासी है ना, हाँ जी, और उन्होंने तो अभी तक उनका मानुगा सभा भी छोड़ा नहीं है, नीचे वाले मानुगा सभा अभी भी छोड़ा नहीं है, नीचे वाले मान मरतबा, हाँ अभी भी छोड़ के आए नहीं, तो फिर उनको सत्य बामा का नीचे वाले मान मरतबा छोड़ के आए हैं, नहीं आया ना, वो छोड़ के नहीं आई है, तो अभी किसने कहा कि बड़े बड़े सन्यासी निकल पड़े, अभी तुम्हारी जीत हो गई क्या, इसीलिए जीत नहीं हो गई,
जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे और उन सन्यासियों की अम्मा निकलेगी, जिस अम्मा के किनारे वो सन्यासी चौकड़ी मारकर बैठे रहते हैं, गंगा के किनारे चौकड़ी लगा के सन्यासी बैठते हैं ना, मेंढकों की तरह, तो वो गंगा जब निकलेगी तो सारे सन्यासी उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। अभी निकली नहीं है, अंत में निकली है ज्ञान गंगा। और बाबा सत्य बाबा के बारे में तो बोला जाता है, उन्होंने तो हनुमान मतलब बिना सब कुछ समर्पित किए 100% ईश्वरीय सेवा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो 100% ईश्वरीय सेवा की है तो सर के ऊपर सवार हुई है, अष्टदेवों की तरह, आठ मणकों की तरह। अगर तन मन धन समय संपर्क संबंधियों से पूरी सेवा न की होती गंगा ने आठ के ऊपर नहीं दिया तो वो क्या शंकर के ऊपर सर पर सवार नहीं होती। और बाबा नींद में 63 जन्मों की रेल घूमती है स्वप्न के रूप में, नींद में स्वप्न के रूप में 63 जन्मों की रेल घूमती रहती है, नींद में मतलब स्वप्न के रूप में, स्वप्न और संकल्पों के रूप में हमारी रिहर्सल और शूटिंग चलती रहती है। कोई कोई ना स्वप्न में बोलने भी लगता है, तो मेरी उनकी भाषा तो बदलती नहीं है, उनकी भाषा तो बदलती नहीं है, तो फिर उनकी भाषा जो है जैसे मराठा है उनका मराठी है, हिंदी वाला हिंदी बोलता रहता है, मतलब 63 जन्मों में तो एक ही भाषा तो होती नहीं है। नहीं तो वो भाषा बोली बोली है ना, यंत्र है, यंत्र है, जैसे आजकल कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला गया है कि वो अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में ही कन्वर्ट करेगा, दूसरी भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो सब भाषाएं तुम कैसे निकाल लोगे? ये तन जो है वो एक प्रकार का यंत्र है। इस यंत्र में जैसा सॉफ्टवेयर भरा हुआ है वैसा ही बोलेगा ना। बाबा को बाबा कोई शेर लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में कोई शेर छोड़ देता है तो कुत्तों को पता चल जाता है, वो रोने लगता है, रोने लग पड़ती है, मतलब इसका मतलब कुत्तों को रूह दिखती है क्या? रूह नहीं दिखती है, वो शरीर का गंध सूंघता है, पांच तत्वों की जो स्पेशल गंध निकलती है हर एक में अलग अलग अपने प्रकार की, उस गंध को सूंघता है, उस गंध के आधार पर सूंघते 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 कहां से वो पसार हुआ है वो मुर्दे को ढूंढ लेता है। मतलब वो रोने के कारण है, वो रोता। अरे ये बात अलग जो अभी पूछी, रोने की बात अलग है, रोता रहता ना। कुत्ते जो है वो रात में रोते हैं, हमेशा नहीं रोते, कभी कभी रोते हैं, कभी नहीं रोते हैं, और इकट्ठे होकर के भी रोते हैं। हाँ उनको अनुभव होता है, और मरते तो रहते ही है। एक शहर ऐसा कौन सा है जिसमें लोग मरते न रहते हो? कोई ऐसा शहर है जिसमें वो लोग मरते न हो? कोई टाउन ऐसा है? नहीं है, मरते ही रहते। तो हर जगह कुत्ते तो रोते ही रहते हैं। और तो
अब कुत्तों को तो रोना ही है, क्योंकि वो अपना कुत्तोपन छोड़ते नहीं है। इसलिए अज्ञान की रात में उनको रोना ही रोना है। मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे, तो ज्ञान में आकर के मरेंगे या अज्ञान के आधार पर मरेंगे? है अज्ञान के आधार पर। हाँ, रोना तभी होता है जब आदमी अज्ञानी होता है। एक भाई का प्रश्न है, कारण अकारण वो संगठन से बाहर है। है? कारण अकारण है वो संगठन से बाहर है। कौन? कोई भाई, एक भाई है, मतलब वो कारण अकारण संगठन से बाहर है। बाबा को पत्र लिखते हैं पर उसका समाधान आते नहीं, पर बाबा का मुरली बोलता है पत्र का सारा समाधान मुरली रूप में आ जाता है। तो फिर हमको तो नया सीढ़ी घुसता ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हमारा समाधान क्या है? तो फिर उनका पूछना ही है, बाप बच्चों से बात करते हैं या सबसे बात करते हैं? बच्चों से ही बात। तो बच्चे जो बट्टी करेंगे बाप के घर में जाके जन्म लेंगे उनसे ही बात करेंगे, जो मर गए उनसे बात कैसे करेंगे? मतलब पत्र तो बाबा के पास पहुंच जाती है ना, लोगों का जी, लोगों का पत्र बाबा के पास पहुंच जाती है। हाँ, तो फिर उसका समाधान, समाधान बच्चों का करेंगे या जो बच्चे हैं ही नहीं उनका करेंगे? मतलब बाबा पहले वो बच्चे आ चुके हैं, फिर आ चुके हैं फिर मर चुके हैं, ऐसे ढेर के ढेर बच्चे हैं, सब सूर्यवंशी बन जाएंगे नहीं? सब 84 जन्म लेंगे क्या? ढेर के ढेर मरने वाले हैं, मौत का बाजार लगेगा। होलसेल को। हाँ, मरना दो तरह से होता है, एक तो लौकिक जीवन में मरना होता है, एक अलौकिक जीवन में मरना होता है। अलौकिक जीवन का मरना बाप सिखाते हैं, और अलौकिक जीवन में भी दो प्रकार से मरना होता है, एक मरने का काम, मारने का काम माया करती कराती है, और एक मरने का काम बाप करण करावन हार है। जो निश्चय बुद्धि होकर के मरते हैं जीते जी दे अभिमान से, वो फर्स्ट क्लास मौत है, और माया जो मौत कराती है वो तो फोर्थ क्लास भी नहीं, उससे भी नीची मौत है, अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। वो बाप की ग्लानी करेगा कि बाप की महिमा करेगा? है? ग्लानी करेगा? है? ऐसे हो ही नहीं सकता। जो बाप को पहचाने और बाप को भूल जाए, पहचानेगा तो दुनिया को कहेगा बाप आया हुआ है, और जब अनिश्चय बुद्धि बन गया तो किसी को नहीं कहेगा बाप। आप तो लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे लोग? ये ग्लानी करने वाला है या महिमा करने वाला है? ग्लानी करने वाला है। बाबा एक वार्तालाप में कहा है भाई साहब, है भाई साहब कहा है ये एक ही आदि वाले स्वरूप की बात कहा है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हाँ, ये एबीपी आदिवासी स्वरूप के लिए कहा गया बोला। अरे पूरा वाक्य तो बोलो, एक शब्द बोल दिया भाई साहब। हाँ, वही तो होती है। ऐसे बोला गया बाबा वार्तालाप में। क्या बोला गया वार्तालाप में? कोई वाक्य होगा ना? वही भाई साहब बोला। भाई साहब कोई वाक्य थोड़े हुआ, ये तो एक शब्द हो गया। रुद्रमा एक आदि वाली स्वरूप की स्वरूप के लिए कहा गया।
पूरा वाक्य तो बोलो जो कहा गया है। ये पूरा वाक्य नहीं है, एक शब्द है बाबा। मेरी बात पूरा हो गई। भाई साहब कहा है जैसे से रुद्र माता के जब है आपस में भाई 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 ये नेगी के आदिवासी स्वरूप के लिए कहा है तो फिर बाबा इसी अवसर के रिपीटेशन में कहा जिन्होंने भाई साहेब कहा वो कदर्मी है मतलब स्वदेशी है जो आते ही बाबा बाबा बोले वो विदेशी है कहा 654 वार्ता सब ने कहा तो फिर भाई साहब ही कहना चाहिए या बाबा बोले बाबा कहना चाहिए बाबा कहेंगे तो ग्रैंडफादर का वर्षा मिलेगा भाई कहेंगे तो भाई से वर्षा नहीं मिले भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब सब धर्मराज होता है अच्छा धर्म तुम्हें तो अच्छा वर्षा दे देगा धर्मराज की पिटाई मिलेगी बाबा उस पाटल आपने कहा है जो भाई साहब कहा वो स्वदेशी है कहा जो बाबा बाबा बोला वो विदेशी है कहा यहाँ बैठे हुए वाले किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी दूसरे तरीके से तुमने समझ लिया है वही बाबा मैं समझते जो भी है वो स्पष्ट माँ बाप के सामने लाओ ना और जोड़ी कैसे बनेगी अरे दुनिया में जोड़ी जो बनती है जितनी भी जोड़ियां बनती है कन्या के साथ ही जोड़ियां बनती है कि पहले से कोई माता होती है उसके साथ जोड़ियां बनती है कोई माता के साथ जोड़ी बनाना अच्छा समझता है तो माता को अजूबा लगता है अन्य अड़गर कदा कन्या पति पत्नी ज्ञान में चले बेसिक में भी चले हो हिंदी अच्छी जानते हो और भट्टी की हुई हो और बेसिक ज्ञान एडवांस ज्ञान सुना सकते हो तो गीता पाठशाला खोले अच्छी बात है और एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे तो पवित्र रहते हैं वो जरूरी नहीं मतलब नबी रहते हैं दूसरी माता मौजूद है उस माताओं की मौजूदगी में क्लास चल सकता है पति कमाई नहीं करेगा नौकरी नहीं करेगा धंधा नहीं करेगा बिजनेस नहीं करेगा तो फिर बिजनेस करेगा चार दिन के लिए आठ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा उनका लक्ष्य है नरसे नारायण नारायण बनने का है ना बाबा लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है हाँ जीवन का लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है घर परिवार का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंत्र जैसा बनाना है ऐसे नहीं कि रहते हैं इस घर में और अलग एक कमरा ले लिया या मंदिर और धर्मशाला में कमरा ले लिया वहां गीता पाठशाला में खोल दी और क्लास बना के चले आए वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं हुआ जो निश्चय बुद्धि होते हैं सबको बता दें कि बाप आया हुआ तो जो कोई भी संदेश नहीं देता है वो अनिश्चय बुद्धि उसके कर्मों से निश्चय बुद्धि बनते
उसके कर्मों से साबित होगा कि बापा आया हुआ है। कोई मुख से ही थोड़े ही संदेश दिया जाता है। प्रकृति जी बनने का क्या पुरस्कार करना है? प्रकृति जी बनने के लिए कौन सा पुरस्कार करना है? प्रकृति प्रकृति जीव बनने के लिए कौन सा पुरस्कार करना चाहिए? प्रकृति को जीतना है, पांच तत्वों को जीतना है। पांच तत्वों को जीतना माना अपनी कर्म इंद्रियों को जीतना। अब कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पानी है तो मन को कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि जो भी इंद्रियां हैं दस उनका मुखिया मन है। मन को जितना एकाग्र करते जाएंगे उतना इंद्रियों पर जीत होती जाएगी और प्रकृति जीत भी बनती जाएगी। ये मूल मंत्र है। अपन को आत्म समझ पाप को याद कर, प्रकृति जीत भी बनते हैं और माया जीत भी बनते हैं। दुनिया में और कोई तरीका किसी के पास नहीं है प्रकृति जीत और माया जीत बनने का। ढाई हजार साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, उसमें दो युग हैं, द्वापर और कलयुग। और जो हिस्ट्री मौजूद नहीं है वो है सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, वो भी ढाई हजार साल है। उसको दो हिस्सों में बांट दो तो 1250 वर्ष। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक एक युग की आयु 1250 वर्ष है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उसको 365 से गुणा कर दिया कि देवताओं का एक दिन जो है हजारों वर्ष के बराबर होता है, ये बपोड़ा लगा दिया, ये सारा गड़बड़ हो गया। हाँ लाखों लाखों बताते हैं ताकि हिसाब न बताना पड़े। बहुत लंबा लंबा बताएंगे तो कौन हिसाब पूछेगा, कितने जन्म हुए, कैसे कैसे हुए, सुखी रहे कितने जन्म, कितने जन्म दुखी रहे, आत्मा की हिस्ट्री कोई बता ही नहीं पाएगा, इन्होंने लंबा लंबा कर दिया। और बाबा सचिव में 9 जन्म होंगे तो एक एक आत्मा 9 जन्म लेंगे ना? अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है वो राधा कृष्ण का गद्दी देने के बाद, राधा कृष्ण को गद्दी देने के बाद जब शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा उनको जन्म कौन देगा? माना जो विश्व के मालिक बनने वाली लक्ष्मी नारायण है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको सतयुग में जन्म कौन देगा? है तो सतयुग के पहले जन्म में जाकर के उनका पद नीचा हो जाएगा अंत में, या ऊंचाई बना रहेगा? है नीचा हो जाएगा, एकदम नीचा हो जाएगा या थोड़ा नीचा होगा? है कितना नीचा हो जाएगा? अरे 1 डिग्री नीचा होगा कि 16 डिग्री एकदम नीचे चले जाएंगे? 1 डिग्री नीचे होगा। सतयुग के आदि में जो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं वो तो ऊंचे से ऊंचा पद पावेंगी,
राधा कृष्ण के बाद फिर सेकंड ग्रेड का नारायण कौन बनता है? है ब्रह्मा बनते हैं इस्लाम धर्म का। जैसे हाँ जैसे राधा कृष्ण से जन्म लेंगे सेकंड नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तो फर्स्ट जो नारायण है सत्युग का वो नीचे गिर गया। ऐसे ही जो संगम युग में ऊंचे के ऊंचे पद पाने वाले हैं वो उनसे भी ज्यादा नीचे गिरेंगे। ऐसे गिरते 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 आखिरी जन्म में सत्युग में जाकर के राम वाली आत्मा टोटल साहूकार बन जाएगी। हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही होता है, जब द्वापर युग शुरू होगा तो द्वापर के आदि में किस धर्म की राजाई चलती है? पृथ्वी के ऊपर द्वापर के आदि में किसका राज्य होता है? कौन से धर्म वालों का राज्य होता है? सूर्यवंशियों का राज्य होता है ना। राजा विक्रमादित्य राजा होगा, ब्रह्मा वाली आत्मा राजा विक्रमादित्य बनेगी। राजाएं जितने होते हैं वो सब विकारी बुद्धि होते हैं द्वापर में, तो मंत्रणा रहने के लिए पवित्र ब्राह्मणों को महामंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? किसकी मत पर चलते हैं? महामंत्री की मत पर चलते हैं। तो जिसकी मत पर चलते हैं वो ही ऊंचा हो गया ना, उसको कहते हैं राजगुरु। तो द्वापर के आज में किसका राज्य था? विक्रमादित्य तो राजा था, विकारी राजा था। उसने जो मंदिर बनाया वो अपनी अकल से बनाया या उसको मत देने वाला कोई उसका गुरु था? उसका गुरु था, उसी का राज्य हो गया। जैसे आगे चलकर के चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त है अपनी अकल से राजा बना या उसको राजा बनाने वाला चाणक्य था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पांव पड़ता था या चंद्रगुप्त राजा चाणक्य के पांव पड़ता था? कौन किसको माथा झुकाता था? चाणक्य को चंद्रगुप्त माथा झुकाता था, तो बड़ा कौन हुआ? चाणक्य बड़ा हो गया। ऐसे ही द्वापर के आज में इब्राहिम आया, इब्राहिम अकेली आत्मा आई और उसके पीछे पीछे लाखों की तादाद में इस्लामी आ गए। तो पहले ही जन्म में इस्लाम धर्म की संख्या बढ़ गई है, दो चार जन्म लगे होंगे। दुनिया में इस्लाम धर्म की बढ़ोतरी होने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दो चार जन्म लग जाते हैं, उसके बाद उनकी राजाई शुरू होती है। उनको राजाई का वर्षा देने वाली कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? यहाँ राजाई के संस्कार बनने वाली कौन सी आत्मा है संगम युग में, जो कोई के कंट्रोल में नहीं आती? राम वाली आत्मा। तो वही आत्मा वहां इस्लामियों की राजाई स्थापन करती है। ऐसे ही बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्धियों की राजाई स्थापन करने वाले भी वही राम वाली आत्मा निमित्त बनती है। तो जैसे जैसे धर्म नीचे गिरते जाते हैं राम वाली आत्मा भी अपना रूप बदलती जाती है।
कभी इस्लामी, कभी बौद्ध, कभी क्रिश्चियन, लेकिन हर धर्म के सतोप्रधान काल में आती है, सतोप्रधान स्टेज में जाती है। जैसे ही वो धर्म तामसी बनना होता है, वैसे ही वहां छोड़कर के अपने धर्म में आ जाती है। तो जैसे द्वापर युग में वैसे ही सती हुए। और बाबा नाथ में जो फूले पहनते हैं ना, वो भी निभागे की निशानी है। ये पहनने से भी की निभाग शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये नहीं पहनते थे तो कुंवारी थी। ये पहनने से ही निभाग शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब नाथ में तो कन्याएं भी पहनती है। कन्याएं कहाँ पहनती है? नाथ में नहीं, पहले जब शादी हो जाती थी तो नाक में नकेल डाली जाती, वो ऐसी ऐसी डालते थे। वो नाक में नकेल शादी होने के बाद डाली जाती थी। अभी कलयुग में सुंदर दिखाई पड़ने के लिए कन्याएं भी डाल लेती हैं। अर्थ नहीं समझती हैं कि नाक में नकेल कब डाली जाती है, शादी होने के बाद डाली जाती है या शादी होने से पहले नकेल डाली जाती है। शादी होने से पहले कन्या स्वतंत्र है या उसको नाथ लिया है किसी ने? स्वतंत्र है, उसको नाथ डालने की जरूरत नहीं है। जब शादी हो गई तो नाथ पड़ गई। जैसे बैल होता है ना, बैल को पहले नाथ नहीं होती है, जब बैल बड़ा हो जाता है तो उसकी नाक में रस्सी डाल करके यूं बांध देते हैं, नाथ पकड़ लीजिए तो चाह उधर ले जाते। तो ये नथनिया जो है वो निभागे होने की निशानी है, अभागा होने की निशानी है, बंधन में आने की निशानी है। स्त्रियों को बहुत बंधन डाले जाते हैं, हाथ में बंधन, नाक में बंधन, कान में बंधन, टांग में बंधन, कमर में बंधन, गले में बंधन, बंधन ही बंधन। तो ये निभागा होना हुआ या भाग्यवान होने की निशानी है? निभागा होना हुआ। अभी आज कलयुग में कन्याएं निभागा बनना ही पसंद करती है, और कन्याएं भी डाल लेती है ऐसे करके। कन्याओं को बंधन में रहने की दरकार नहीं है। బాబా ఆ శరీరం వదిలేటప్పుడు రకరకాల ఏదో రోగాలతో చనిపోతారు కదా, చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు హాయిగా ఉంటారు రాసుకొని ఉంటారు బుల్లు బుల్లు ఎక్స్ప్రెస్ గాడి तो शरीर हमारा छोने के बाद वो सुखी रहेंगे है? सुखी रहेंगे क्या? वो शारीरिक व्यथाओं में शरीर छोड़ता है। शरीर बहुत तंग है, शरीर से बहुत दुखी है, हाय हाय करके प्राण छूट रहे हैं, उनका जन्म भी नीचा मिलेगा, क्योंकि अंत मते सुगति। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं कि बहुत बीमार है, लेकिन बीमारी की स्टेज में भी अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उतना दुख महसूस नहीं करते, इसलिए अंत मते सुगते भी उनकी श्रेष्ठ हो गई। इसलिए बोला शरीर बल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और बाबा मैं समझता हूँ कि जो आठवीं नारायण ने उसका जो डाउट्स थी क्लैरिफिकेशन के लिए जो संगमयुग की नारायण को पत्र लिखता था और उसको क्लैरिफिकेशन लिया था, आठवीं नारायण जो है सतयुग का, उन्होंने डाउट्स माना ज्ञान में जो डाउट्स है ज्ञान लिया है संगमयुग के नारायण के पास पत्र के रूप में। नहीं? तो
तो कैसे शूटिंग हुआ ना, उधर उधर बोल रहे ना माना शाहूकार बन गए। ज्ञान कहाँ लेता है, वो तो शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके ज्ञान लेता है। सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गया, जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आज जा जाती है आग पर, वो फिर बाद में रियलाइज करती है हमने क्या किया। वो आठवें नंबर का नारायण तो शरीर छोड़ने के बाद रियलाइज करता है कि जो करना था वो हमने नहीं किया, बाप को प्रत्यक्ष करना था वो प्रत्यक्ष करने का रास्ता हमने गलत अपनाया, मान मर्दवे का रास्ता पकड़ लिया। और जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए ब्राह्मण का मुख्य काम, वो नहीं किया, इसलिए बाप को प्रत्यक्ष कर नहीं सका। नाम दिए है महिमा के लिए मुरली में, जगदीश भाई, रमेश भाई, अब वो हद के भी है और बेहद के भी है। हद के रमेश भाई, जगदीश भाई हद का मर्तबा ले लेते हैं, मान मर्तबा धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में रख करके बैठ जाते हैं। जो बेहद का रमेश है, बेहद का जगदीश है, वो हद की धन संपत्ति की परवाह नहीं करता। बेहद की जो चीज है परमात्मा की चीज, परमात्मा की धन संपत्ति, ज्ञान धन को महत्व देता है। इस समय सब सब आत्मा है, आत्मा है, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं ना, सो इसका हिसाब कैसे बने माना? तो ज्ञान तो ले रहे हैं, सब ज्ञान ले रहे हैं, हाँ माना वो शिव बाबा ऐसे ही दे रहे हैं क्या, इसको भी फिर जो सागर में प्रवेश करता है उसको मदद करना पड़ेगा। क्या पूछना चाहते हैं, क्लियर करो। शिव बाबा अभी ज्ञान दे रहे हैं सबको, सब ले रहे हैं और उससे परिवर्तन हो रहे हैं और इसी के प्राप्ति के अंदर आधार से द्वापर युग से शौकर बन रहे हैं ज्ञान धन लेके। द्वापर युग से शौकर कहाँ बनते हैं? जो जितना जितना ज्ञान रतन धारण करते हैं। नहीं, हिसाब ये है कि सतयुग में जितनी स्टेज आत्मा की, जिस आत्मा की जैसी स्टेज रहती है समाज के बीच में, वैसी ही स्टेज द्वापर युग के आदि में भी रहेगी। अगर सतयुग के आज में राधा कृष्ण का कोई बाप है, माँ बाप का मर्तबा है, तो द्वापर के आज में भी कौन सा मर्तबा रहेगा? वो राधा कृष्ण वाली आत्मा का बाप बनकर के ही रहेगा, कंट्रोलर ही बनकर के रहेगा। सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा आखिरी नारायण की प्रजा बनकर के रहती है, क्योंकि प्रजा की जितनी धन संपत्ति है राजा जब चाहे तब ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। एक है जबरदस्ती लेना और एक है प्रजा अपनी स्वेच्छा से प्यार से दे दे, लो राजा ही चलाओ, वो बात अलग। तो सतयुग के अंत में जैसे राम वाली आत्मा प्रजावर्ग में चली जाती है, ऐसे ही द्वापर के अंत में राम वाली आत्मा फिर निची स्टेज में आ जाती है, फिर कलयुग के आदि में ऊंची स्टेज में जाती है, ऐसे चलता रहता है। सत्युग त्रेता की प्राप्ति की जो शूटिंग अभी हो रही है, वैसी ही प्राप्ति की शूटिंग द्वापर और कलयुग में भी होती है। बाबा गीत गाना और सुनना भक्ति मार्ग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एक तरफ हम ब्राह्मण दुनिया को संदेश देते हैं, बिना सामने खड़ा है, संदेश देते हैं कि नहीं? दुनिया बालू के ढेर पर खड़ी हुई है, बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, एक चिंगारी लगी और सारी दुनिया खलास होने वाली है, और दूसरी तरफ हम ढोल मजीरा बजाएं, डांस करें, गीत गाएं, तो दुनिया हमारी बात पर विश्वास करेगी?
कि विनाश होने वाला है। ये अज्ञान का अंधकार फैलाना हुआ या ज्ञान की बात हुई? क्या हुआ? अज्ञान अंधकार फैलाना हुआ, इसलिए मना करते हैं। वो भी बात पहले नहीं क्लियर हुई थी बेसिक नॉलेज में, अभी एडवांस में आने के बाद ये बुद्धि खुली है। इस महावाक्य को मुरली के अंदर से पकड़ा गया, क्या ये गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना नहीं है। अगर इतना गहरा ज्ञान लेने के बावजूद भी हम गीत गाने में लगे हुए हैं, डांस करने में लगे हुए हैं, गीत बनाने में लगे हुए हैं, तो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले? भक्ति मार्ग वाले हो गए। पूरी जगन्नाथ देवालय विग्रह तैयार आप ब्रह्म पदार्थम चूड़क पड़ता ब्रह्म पदार्थम बाबा पूरी जगन्नाथ के आलय में जो प्रतिमा बनाते हैं उसको, उसके अंदर ब्रह्म के पदार्थ रखते हैं गुप्त रीति से। है? ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ क्या होता है? वो ऐसे कहते हैं, कहा होते हैं ऐसा, वो अंदर गुप्त रीति से उसको रखा जाता है। हाँ, रखा जाता होगा। हाँ, वो ऐसे किताबों में पढ़ा है माता। हाँ, तो माना वो क्या है? वो क्या है? गुप्त रीति से शिव बाबा प्रवेश है। शिव बाबा गुप्त रीत से प्रवेश करता है या प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश करता है? गुप्त रीत में प्रवेश करता है। वही ब्रह्म पदार्थ है, ब्रह्म को भगवान कह दिया है भक्ति मार्ग वालों। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्म कह दिया। अष्टदेव धर्मराज के खजाना ये नहीं खाते तो उनके अष्टदेविया भी धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे। क्यों? है जो अष्टदेव है वो तो सब सूर्य वंश से है, जो आठ देवियां आएंगी वो सब सूर्य वंश से आएंगी या अलग अलग वंशों से आएंगी? है कहते हैं घर की धरणी जैसी हो वैसा ही घर परिवार बनता है। घर की धरित्री अगर नारकीय है तो घर भी नरक बन जाएगा। इसलिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं ऊंची कुली के, वो ब्राह्मणों की लड़की ही लेना पसंद करते हैं कि खून अच्छा बना रहे। क्षत्रिय की लड़की नहीं लेंगे। अगर ब्राह्मणों की लड़की नहीं मिली तो क्षत्रिय की ले लेंगे, वैश्य की लड़की नहीं लेंगे। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण की भी नहीं मिली तो वैश्य की लड़की ले लेंगे, शूद्र की नहीं लेंगे। तो ये जो अष्टदेव है वो आठों सजा नहीं खाते लेकिन नंबर बार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो घरवालियां हैं वो अलग अलग धर्मों से आने वाली है। क्या? कोई की चंद्रवंश से आती है। राधा कहां से आती है? जो पहले नंबर का अष्टदेव है उसकी धरित्री चंद्रवंश से आती है। दूसरे नंबर का जो होगा उसकी धरित्री कहां से आएगी? और नीचे से आएगी। तीसरे नंबर का होगा उसकी और नीचे से आएगी। इसलिए ब्राह्मणों में भी परंपरा चलती है कि जो शादी की जाए वो नीचे कुल वाली स्त्री से की जाए, बराबर की स्त्री से
शादी नहीं करते हैं। बाबा ने ये परंपरा डाल ली कि तुम सूर्यवंशी बच्चे सब आपस में भाई भाई हो, मुसलमानों की तरह भाई बहन नहीं समझना तो आपस में शादी करके बैठ जाओ, क्या हो भाई भाई माने सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के बीच में शादियां नहीं कर सकते। अव्वल नंबर कुड़ी का ब्राह्मण होगा तो द्वयम नंबर की जो कुड़ी का ब्राह्मण होगा उसके घर में ही शादी करेगा। इसलिए अष्टदेवियां सजा खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं? खा सकती हैं। और